स्टैटिक जीके के इस सीरीज में हम देखेंगे महत्वपूर्ण संगठन के बारे में। स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा थोड़ा करके याद करना होता है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। ओके, देखिए आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण संगठन, संगठन संस्थापक और वर्ष। संस्थापक भी पूछे जाते हैं और वर्ष भी पूछे जाते हैं। जैसे आत्मीय सभा अगर पूछा जाए तो 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। सती प्रथा का अंत जो किया था वह राजा राममोहन राय ने किया था। ओके, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, आत्मा किस में है तो राम में है। याद रखना कैसे है, आत्मा किस में है, हमारा आत्मा क्या है, राम में है। अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह राम राम सत्य है का नारा दिया जाता है, मतलब आत्मा राम में मिल जाता है। तो 1815 ईस्वी में वह आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत के पिता, राष्ट्रपिता, आधुनिक भारत के जनक अगर कहा जाए, आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, आत्मा किसे मिल गया, ब्रह्म में मिल गया, क्योंकि वह राजा हैं। और कौन है, राम। आत्मा और ब्रह्म कौन है, राम है। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा समाज, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा याद रखिए, या ब्रह्म समाज कहिए। आत्मा और ब्रह्म ये दोनों चीज़ राम हैं। तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में, और 1828 ईस्वी में, मान लीजिए दोगुना, 1815 याद है तो 1828 से ब्रह्म सभा समाज, इसी के दौरान, इसी 1828 के आसपास उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था अंग्रेज की सहायता से। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या है, यंग बंगाल आगे है। यंग बंगाल क्या है देखते हैं, हेनरी डेरिजियो को यंग बंगाल है। जैसे यंग इंडिया किसके हैं, यंग यूरोप किसके हैं, तो यंग इंडिया किसका है, तो हेनरी डेरिजियो का है। हेनरी डेरिजियो के जो है वह यंग इंडिया के लेखक हैं। 1826 ईस्वी में यंग बंगाल के जो लेखक हैं वह हेनरी डेरिजियो हैं। 1826 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ओके, अगला है तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी जो देवेंद्रनाथ टैगोर, तो तत्व होगा, बोध होगा, किस में होगा, देव में होगा। तत्व है बोध जिसका, देव। तो तत्व हो, बोध हो, मतलब तत्व हो, बोध हो, देवों के पास हैं जितने भी तत्व है। अग्नि कितने तत्व है, जैसे 5 तत्व है, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि है, वायु है, जल है, ये सब जो तत्व है वो क्या है, देव है। तो जो तत्व बोधनी है वो देव है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो 1839 ईस्वी में इसको स्थापना किया था, तत्वबोधनी सभा। ओके, तो तत्व वाला याद हो गया। अगला है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा जो है वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है। प्रार्थना सभा समाज जो है, प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है। 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। प्रार्थना समाज में देखिए, प्रार्थना करेंगे किसके लिए, आत्मा के लिए और राम के लिए। ठीक है, आत्मा और राम दोनों के लिए करेंगे। वहाँ पर क्या था, आत्मीय सभा, तो राम के लिए किए। ब्रह्म सभा राम के लिए किए। यहाँ पर जो प्रार्थना करेंगे वो आत्मा और राम दोनों के लिए करेंगे। ठीक है, आत्मा और राम दोनों के लिए करेंगे। तो आत्मा राम याद रखे, तो आत्मा राम 1867 ईस्वी में। ओके, आर्य समाज अगला देखते हैं। आर्य समाज क्या है, आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य कौन होते हैं, आर्य जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे मतलब उसके पास सरस्वती होता है, तो सरस्वती मतलब आर्य। आर्य जो भारत में आए, मध्य एशिया, ठीक है, एशिया माइनर से जो आए, तो वह यहाँ पर वैदिक सभ्यता की स्थापना किए भारत में। ठीक है, ये ठीक है, विवाद पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आर्य जो है सरस्वती उनके पास है, आर्य के पास, हम लोग आर्य के वंशज हैं। ठीक है, तो आर्य समाज जो है
वो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। ओके, तो आर्य कौन है? जिसके पास सरस्वती है, ठीक है, जिसके पास ज्ञान है। ओके, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया गया। देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था और कर्नल एलकॉट के द्वारा किया गया था। थियोसोफिकल, थियो है, सोफिकल है, सोसाइटी है, तो अलकॉट है, ठीक है, कल है, देखिए कल है, कतल है, याद रखो। थियोसोफिकल मैं ट्रिक से याद रखना होगा आपको, ब्लावत्स्की है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, एचपी जो एचपी है वो थियोसोफिकल है, सोफिकल है, ठीक है, सोसाइटी है। एचपी गैस क्या होता है? सोसाइटी के लिए आया जाता है। तो थियोसोफिकल जो थियो है वो सोफिकल सोसाइटी है, वो एचपी वाला है, और दूसरा है कट वाला, एचपी को कट कर देना है। ओके, तो थियोसोफिकल सोसाइटी एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल एलकॉट के द्वारा किया गया था 1897 ईस्वी में, ठीक है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा इस क्लास में, कि प्रमुख जो संस्था है उसके संस्थापक के नाम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डेट आपको मेहनत करनी पड़ेगी याद करने के लिए। देखिए, डेट कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर जो है संस्था और संस्थापक से पूछे जाएंगे। ओके, डेट कुछ कुछ महत्वपूर्ण है बस। ओके, हमें ज़्यादा याद रखना है संस्था और संस्थापक के बारे में। देखिए, अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण है वो मिशन कौन करेगा? जो स्वामी होगा, जिसके पास विवेक होगा, स्वामी होगा, विवेक होगा, वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, सॉरी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1897 ईस्वी में। हमें क्या याद रखना है? स्वामी विवेकानंद ने राम है और किशन, राम और किशन को एक करना है। मिशन है हमारा राम और कृष्ण जो भगवान है उसको एक करना है, तो कोई स्वामी को बुलाना होगा जिसके पास विवेक भी होगा, आनंद भी होगा, तो स्वामी विवेकानंद होंगे। ओके, आगे देखते हैं। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, ज्योति बा फूले, फूल जो होता है वो सत्य होता है, फूल जो हमेशा सत्य होता है, और ज्योति भी जो होता है वो हमेशा सत्य होता है। ज्योति, ज्योति असल में आग है, आग जो है, आग की जो लॉ है, ज्योति है, वो सत्य है, ठीक है। तो ज्योति शोधक समाज जो है ज्योति बा फूले 1873 ईस्वी में। ओके, अगला देखते हैं विश्व भारती, विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती, तो 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गीतांजलि श्री के लिए, गीतांजलि पुस्तक जो है उसके लिए 1912 ईस्वी में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में उसको दिया गया था, लेकिन वो पुस्तक लिखे गए थे। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को पुस्तक के लिए, एकमात्र एक व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर जिसको पुस्तक के लिए लिखा मिला गया। जब जॉर्ज पंचम आए भारत में तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसके लिए जन गण मन लिखा, तो जॉर्ज पंचम उससे खुश हो गए और खुश होकर बोले कि हम आपको नोबेल पुरस्कार दिलाएंगे। और नोबेल पुरस्कार कैसे दिलाएंगे? लेकिन नोबेल पुरस्कार में कहा गया कि शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा, और भी क्षेत्र जो है, ठीक है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और आपको चिकित्सा का क्षेत्र है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, शांति का क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों, छः क्षेत्र हैं उसमें दिया जाएगा। तो लेखक, लेखक के क्षेत्र में कैसे दिया जाएगा, गाना के क्षेत्र में कैसे दिया जाएगा? तो इसको शांति के क्षेत्र में दिया गया, लेकिन उसमें किताब लिखा था, किसी भी तरीके से इसने, अंग्रेज सरकार ने इसको दिलवा दिया खुश होकर, इसमें जनगणमन लिखा था। ओके, 1912 ईस्वी। तो विश्व भारती जो जनगणमन जो है, मतलब विश्व को भारत, भारत के बारे में बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो विश्व भारती 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। समझ में आया कॉन्सेप्ट? विश्व भारती नहीं भूलना है, ठीक है। विश्व को भारत का दर्जा दिला दिया, पहला नोबेल पुरस्कार मिला दिया इसमें। ओके, अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तो इजी है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक एक हुआ था हरिपुरा, एक होता त्रिपुरी। त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसको छोड़कर, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध भी किया था,
इसलिए उसके बाद उसने त्रिपुरी अधिवेशन को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, लेकिन सरकार इससे नाखुश हो जाते हैं और इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और वह जेल से छूटकर कहां चले जाते हैं, पेशावर चले जाते हैं। पेशावर से वो फिर कहां, काबुल चले जाते हैं। काबुल से फिर वो कहां चले जाते हैं, रूस चले, मास्को चले जाते हैं। मास्को से वो जापान पहुँचते हैं और जापान में वह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर जापान जब हार जाता है तो फिर सुभाष चंद्र बोस वापस चले जाते हैं, कहाँ, जापान से, सॉरी जर्मनी चले जाते हैं। तो जर्मनी से वो जापान चले आते हैं, फिर जापान में जापान भी हार जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उस समय हुआ था इसके बारे में घटना। तो सुभाष चंद्र बोस को जापान के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप भी दिया जाता है, वहाँ पर शहीद द्वीप है, उस द्वीप का नाम रखता है। ठीक है, ये इतिहास का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था 1939 ईस्वी में, लिखा नहीं था मतलब बनाया था संस्था को, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में। देखिए स्वराज पार्टी अगला देखते हैं, स्वराज पार्टी क्या है, तो स्वराज अपना राज्य कब होगा, जब हमारे पास मोती होगा, लाल होगा, नेहरू होगा, मोती भी होगा, लाल भी होगा और उसको नहाएंगे भी, तो अपना राज्य होगा। ठीक है, तो स्वराज कब होगा, मोती भी होगा, लाल भी होगा और नहाएंगे भी उसको। ठीक है, मोती, लाल और नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी 1923 में। अगला है खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार यह है अब्दुल गफ्फार खां, इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी के उपनाम से कई व्यक्तियों को जाना गया। ओके, तो अब्दुल गफ्फार खां जो है ये 1930 ईस्वी में, इसको तो भारत रत्न मिला था, पहला विदेशी थे अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, पहला विदेशी तो यही थे। ठीक है, 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना किया, तो खुदाई तो है तो खिदमतगार भी है, सॉरी खिदमतगार भी है तो गफ्फार खां भी है, अब्दुल है वो। ठीक है, खुदा खुदा अब्दुल गफ्फार खां 1930 ईस्वी में। फिर क्या है, होम रूल लीग, एनी बेसेंट व तिलक 1916 में। अगर होम रूल लीग की बात करते हैं, एनी बेसेंट व तिलक ने लिखा था मतलब संस्था को बनाया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो होम रूल लीग भारत में दो संस्था था, एक एनी बेसेंट के सहयोग से, एक तिलक के सहयोग में से। ठीक है, तो एनी बेसेंट का सफल रहा था, तो होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में भारत में स्थापना किया गया था। ओके, अगला है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी क्या है, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस जो है वो 1876 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। इंडियन भी है, सोसाइटी भी है, आनंद है, मोहन है, बोस है। जो मोहन होगा वो इंडियन होगा, जो मोहन होगा वो इंडियन होगा, याद रखना है, मोहन होगा वो इंडियन होगा, थोड़ी जॉर्ज है तो इंडियन हो, जॉर्ज होगा अंग्रेज होगा। ठीक है, ठीक है, और सी जिनपिंग होगा तो चाइनीज होगा। ओके, तो उसी प्रकार मोहन है, आनंद मोहन बोस, तो बोस भी होंगे तो इंडियन होंगे, तो आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया। ओके, जापान में किया था ये शायद, हाँ जापान में किया था, देखिएगा इसका जापान में। देखिए आदि ब्रह्म समाज है देवेंद्र नाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज जो है देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 ईस्वी में किया था। आनंद, सॉरी आदि ब्रह्म समाज जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है, रविन्द्र नाथ टैगोर के भाई हैं। रविन्द्र नाथ टैगोर क्या लिखे, विश्व भारती लिखे, ठीक है, 1912 ईस्वी में लिखे, विश्व भारती संस्था को बनाया था, गीतांजलि पुस्तक को लिखा था। और आदि ब्रह्म समाज उसके भाई है देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी अच्छे चित्रकार हैं, इसको चित्रकार कहा जाता है, अच्छे चित्रकार थे, इस समय बहुत अच्छे चित्रकार थे, एक भाई लेखक है दूसरा भाई चित्रकार है, एक ही गुण है। अब गुण अपने अपने गुण हैं। आदि ब्रह्म समाज, एक है ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय, मोहन राय लिखे थे, लेकिन एक है आदि ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज होगा वो पुराना मतलब आदि शुरू से ही है। आदि ब्रह्म समाज जो कौन बोल दिया, देव बोल दिया कि ये देव का है, आदि ब्रह्म समाज देव के लिए है और ब्रह्म समाज क्या है, राम के लिए है। आदि जब होगा वो देव के लिए होगा और जो ब्रह्म होगा, केवल ब्रह्म होगा वो राम के लिए होगा, ये याद रखना है। ठीक है,
1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जो चित्रकार थे वो राजा ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। ओके अगला है, अगला क्या है, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा। ये अच्छा क्वेश्चन, भिविया क्वेश्चन है, जैसे मुस्लिम लीग है उसी प्रकार हिंदू महासभा, ठीक है, दोनों वर्सेस है। देखिए वर्सेस बोलते हैं, देखिए हिंदू महासभा है, मदन भी है, मोहन भी है, मालवीय भी है, तो मदन मोहन कौन होंगे, वो हिंदू का नाम ही होगा मदन मोहन। अगर आगा खां बोलेंगे तो मुस्लिम का नाम होगा, तो मुस्लिम लीग हो जाएगा। तो उसी प्रकार हिंदू कौन होंगे, जो मदन है मोहन है वही तो है, ओके हिंदू है। तो हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किया था। ओके अगला है भारत संघ। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ की स्थापना करते हैं 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ, एक नाथ कौन है, एक नाथ हमारे हैं शिव भगवान, तो एक नाथ शिव है तो भारत संघ है, भारत को एक साथ करता है एक नाथ, तो एक नाथ कौन है, सुरेंद्र नाथ है। सुरेंद्र नाथ कौन है, बनर्जी है, जो बना देता है सभी को, एक नाथ सभी को बना देता है, भारत को भी बना सकता है। तो भारत संघ कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत संघ संस्था के संस्था को बनाया कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में। ओके अगला देखते हैं, देखिए एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। अगर एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो विलियम जोन्स ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में किया था। एशियाटिक सोसाइटी एक था थियोसोफिकल सोसाइटी, तो थियोसोफिकल था, ब्लावत्स्की था, एचपी गैस वाला देखे थे, ब्लावत्स्की था, उसको कट किया कौन, अलकट वाला था, जो भी कट है कट याद रखो। आइए क्या एशियाटिक, एक थियोसोफिकल है तो थियो कौन होगा, जो एचपी होगा। अब ये क्या एशिया है, एशिया में कौन है, एशियाटिक विलियम जोन्स तो विलियम जोन्स है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे, विलियम जोन्स, ठीक है, एशियाटिक ये याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में से बनाया था, इस संस्था को स्थापित किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल और कृष्ण जो होंगे वो गोखले हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब इंडिया का जो नौकर होगा वो सोसाइटी में रहेगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले उसको बता रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था कैसे चलेगी। तो गोपाल कृष्ण गोखले हमें याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले इंडिया वाले हैं, ठीक है, तो हम उसके सेवक हैं, सर्वेंट हैं। ओके अगला है गदर पार्टी। तो ये इजी है, गदर पार्टी की बात करें तो लाला हरदयाल ने 1983 में गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर कौन होंगे, जो लाला होंगे, गदर उसका पार्टी भी मजबूत होगा। गदर का मतलब ही होता है जो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगा, लाला के पास ज़्यादा संपत्ति होता है लाला, तो लाला भी हरदयाल। और 1913 में तेरा बोलेगा मैं तो मेरा बोलेगा, ठीक है, तो गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में स्थापित किया। अगला है अभिनव भारत की बात करें तो बीडी सावरकर जो है 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। अभिनव भारत बीडी सावरकर, ओके आरएसएस के प्रमुख माने जाते हैं बीडी सावरकर। तो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना, एगो विश्व भारती हैं, ये अभिनव भारत है। विश्व भारती कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत कौन, तो बीडी सावरकर। अभिनव एक होता है विश्व भारत, तो विश्व भारत 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। एक होता है अभी ये भारत बनाएंगे, कौन बोलता है, बीडी सावरकर बोलता है, आरएसएस के हैं, ठीक है, आरएसएस के व्यक्ति हैं। तो अभी चाहिए भारत, अभिनव भारत,
मतलब बी डी सावरकर सावरकर जो है बी डी सावरकर है वो अभी अभी चाहिए, ठीक है, वो बोलते हैं 1904 ईस्वी में। मुस्लिम लीग के बारे में बात करें, तो सलीम उल्ला खां एक था, आगा खां भी अगर दिया ऑप्शन में है तो उसको लिख देना है, अगर नहीं रहे तो सलीम उल्ला खां 1906 ईस्वी में हो जाएगा। जैसे हिंदू महासभा कौन था, मदन है भी है, मोहन भी है, मालवीय भी है, हिंदू होगा। यहाँ मुस्लिम कौन होगा, सलीम भी होगा, उल्ला भी होगा, खां भी होगा, तो दोनों समझ गए 1915 वो था, ये 1906 है, तो मुस्लिम लीग कौन है, सलीम उल्ला खां 1906 में, ठीक है। अब क्या है, खिलाफत अली, खिलाफत आंदोलन, अली बंधु शौकत अली, मोहम्मद अली दो व्यक्ति थे, ये भाई थे और भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। जब 1914 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था, क्योंकि तुर्की धुरी राष्ट्र लड़ रहा था, ठीक है, तुर्की धुरी राष्ट्र लड़ रहा था तो मित्र राष्ट्र के द्वारा हार गया और मित्र राष्ट्र ने तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य को अंत कर दिया और वहाँ के जो शासक को खलीफा कहा जाता था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इससे वहाँ के लोगों में असंतुष्टि फैला, ठीक है, और वहाँ और यहाँ भारत में उसका नेतृत्व, मतलब विश्व में सभी जगह जहाँ जहाँ मुस्लिम के अनुयायी थे, जो अपने जो शासक है खलीफा का आदर करते थे, उसके आधार पर चले और होगा यूरोपीय सभ्यता के आधार पर होगा। वहाँ पर मुस्लिमों को टोपी पहनने से मना कर दिया मुस्तफा कमाल पाशा ने, वहाँ पे जो महिलाएं हैं उसको बुर्का पहनने से मना कर दिया, उन्होंने पंचवर्षीय योजना लाया वहाँ पे कई सारे आधुनिकरण किया। वहाँ के पिता, तुर्की का पिता जो है वह मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। 1919 ईस्वी में अली बंधु खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। असहयोग आंदोलन का एक कारण खिलाफत आंदोलन भी है, ठीक है, इस मुद्दे को लेकर असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने भी किया था, ओके। अब देखिए अगला क्या है, आज़ाद हिंद फौज। अगर आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो रास बिहारी बोस जो है वो आज़ाद हिंद फौज के हैं। 1942 में आज़ाद हिंद फौज देखिए, आज़ाद हिंद फौज लिख देंगे 1942, ठीक है, रास बिहारी बोस। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने भी किया, अगर नहीं रहे तो आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है आज़ाद हिंद फौज, तो रास बिहारी बोस लेकर चलेंगे, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक रहेगा सुभाष चंद्र बोस, ओके। अब चलिए देखिए, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में, आज़ाद कब होगा, आज़ाद हिंद कब होगा, जब बिहारी होगा, आज़ाद हिंद बिहारी, ठीक है, जितने भी चीज़ हो बिहारी ने आज़ाद कराया है भारत को, ठीक है, भारत को आज़ाद किया है बिहारी ने, क्योंकि बंगाल में बिहार था, ठीक है, बंगाल में बिहार था, उस समय से लड़ रहा है बिहारी लोग, यहाँ के कितने कितने शासक थे, ठीक है, पहला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य जो विदेशी शादी किया था, तो आज़ाद हिंद फौज बिहारी, याद रखिए आज़ाद हिंद फौज कौन है, वो बिहारी है, रास बिहारी बोस, ठीक है। अब देखिए 1942 में इसकी स्थापना किया था, तो इस प्रकार हमने देखा कि मुख्य जो संगठन है उसके संगठनकर्ता कौन है वो याद रखना है ज़्यादातर, और कुछ का इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसी से क्वेश्चन टकराता है, ओके।